इधर खेसारी लाल यादव के 3-4 गानों का हाई लेवल गानों का वीडियो शूटिंग पूरा हो चुका है। गाना बस रिलीज ही होने वाला था कि पता चलता है कि अब खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज नहीं होगा 30 सितंबर 2025 तक। क्या सच में ये सभी गाने सितंबर 2025 के बाद देखने को मिलेंगे या फिर उससे पहले देखने को मिलेंगे? आइए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर 2025 तक खेसारी लाल यादव अपने गाने को सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को बेच सकते हैं। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा वो किसी और म्यूजिक कंपनी को अपना गाना बेच नहीं सकते। अगर वो किसी दूसरे म्यूजिक कंपनी को अपना गाना बेचते हैं तो उस पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का राइट होगा और वो उन सभी गानों को स्ट्राइक देके यूट्यूब चैनल से हटवा सकता है। लेकिन पिछले बार की तरह इस बार भी खेसारी लाल यादव अपना गाना बड़ी म्यूजिक कंपनी जैसे सारेगामा हम भोजपुरी या फिर टी सीरीज हमार भोजपुरी जैसे बड़ी म्यूजिक कंपनी को दे सकते हैं या फिर ये कहें कि बेच सकते हैं, जहां से गाना उनका रिलीज हो सकता है। खेसारी लाल यादव इस मामले को लेके लाइव भी आए थे, उन्होंने क्या कहा सुनिए। मतलब साफ है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से इनका गाना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हो सकता है सारेगामा हम भोजपुरी टी सीरीज या फिर वेब म्यूजिक से इनका गाना देखने को मिल जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।